सीरियल अनुपमा में अब राखी दवे इस मजबूरी का फायदा उठाएगी। अनुपमा और वनराज पर आए 20 लाख के कर्ज का आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे अनुपमा को वनराज अपना एटीट्यूड दिखाता है और रेंट देने की बात कर देता है। तभी वहां पर काव्या भी आती है और वहां पर कभी कस्टमर्स आते हैं और उनके सामने हमेशा कोई ना कोई अनुपमा की तारीफ करते दिखता है। तो यहाँ पर काव्या पर गुस्सा निकलता है वनराज का और कहता है कि अगर तुमने मानसी जैन को अच्छे से हैंडल किया होता तो आज अनुपमा नहीं हो रहा था। तो दूसरी तरफ बापू जी और बाँ दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को समझा देना कि वो मेरी बेटी से अच्छे से बात करे। और वहीं ये बात समर को पता चलती है रेंट वाली, तो वो भी कहता है कि हम अब आप भी मार्केट प्राइस पर ही रेंट लेना। और अनुपमा कहती है हम दूसरों के बारे में बुराई सोचने से अच्छा है कि अपने बारे में अच्छा सोचे, वरना हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और तभी वनराज और काव्या के पास में मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं जो कि अनुपमा का और वनराज का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और कहते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि एक्स वाइफ भी किस तरह से दोस्त बनकर सपोर्ट कर सकती है और हमारी जो दुनिया में जो ये बनी हुई है ना मेंटेलिटी उसको दूर कर सकते हैं और आपकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तो वनराज इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, आप इंटरव्यू मेरी एक्स वाइफ का नहीं ले सकते, मेरी करंट वाइफ काव्या शाह है और उसी का इंटरव्यू ले सकते हैं। और काव्या काफी खुश हो जाती है। तो वो कहते हैं कि देखो 100% ईगो हर्ट हुई होगी और वो जाते जाते कह जाते हैं और वो भी मना कर देते कि इंटरव्यू नहीं लेना। तो वो जाते जाते कह जाते कि हाँ बिल्कुल ईगो हर्ट हुई होगी, एक्स वाइफ का सपोर्ट नहीं लेना चाहता होगा, इसीलिए कोई अमर देखना ही नहीं चाहता ये सब। वनराज उनसे भी लड़ भिड़ता है और अनुपमा के ये सबको सुन रही होती है, तेज आवाज में बात कर रहा होता है। तो अनुपमा कहते हैं ये कभी नहीं सुधर सकते। काव्या तो चली जाती है मार्केट और वहाँ से कर्टेंस वगैरह को कैफे के लिए कुछ डिसाइड किया है, लेकिन वनराज को कॉल करी पूछती है तो वनराज कहता है तुम्हें जो डिसाइड करना है कर ले, क्योंकि उसके पास में आता है प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस 20 लाख रुपए का, जिसे देखकर वनराज के होश उड़ जाते हैं और वनराज सीधा अनुपमा के पास भागता है, लेकिन दरवाजा वापस से लॉक करके वापस अंदर बैठ जाता है और काफ़ी परेशान होता है और अनुपमा को भी समझ जाता है परेशान है। समर भी आकर कहता है कि मिस्टर शाह कुछ परेशान लग रहे हैं। तो अनुपमा कहती है कि शायद परेशान होंगे और वो कहता है कि अब हमें क्या मतलब, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना। अनुपमा कहती है अगर अपन से मतलब हुआ तो, और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अभी दूसरी तरफ राखी दवे तोशु को कहती है अगर चाहे उसको किंजल को रोकर आना पड़े या प्यार से आना पड़े, लेकिन अगर अनुपमा अपने प्यार से उसे फंसा सकती है तो तुम भी तो उसी के खून हो, तुम भी तो उसे प्यार से यहाँ पर ला सकते हो, और अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बेटी को मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। वहीं काव्या घर जाती है जहाँ पर काफी वो परेशान होती है, थक जाती है और वहाँ पर बार बार बाकी से आकर पूछती है अपने डांस के बारे में, लेकिन वो उसे कोई सही से जवाब नहीं देती और उस पर गुस्सा हो जाती है। और बाकी देखती है कि बाकी उसे तो बड़ी स्वीटली पैसे आते हैं, लेकिन वह उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन बाकी को वो चीज समझनी नहीं होती। दूसरी तरफ वो नोटिस उड़कर वनराज से अनुपमा के पास चला जाता है और 20 लाख रुपए का ये नोटिस देखकर होश उड़ जाते हैं और वनराज और अनुपमा डिसाइड करते हैं कि घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए और वो दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करेंगे। लेकिन इस बात की खबर मिल जाती है राखी दवे को और वो अब इस चीज का फायदा उठाकर 20 लाख का चेक लाकर देती है और इस चीज का फायदा उठाएगी ताकि किंजल उन घर वालों से दूर होकर उसके घर में आकर रहने लग जाए।